बारां जिले के अटरू में एसीबी ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई की। इसमें एसीबी टीम ने ग्राम सेवा सहकारी समिति के सचिव को 3000 रुपए की घूस लेते हुए गिरफ्तार किया। एसीबी के सीआई ज्ञानचंद मीना ने इस पर बताया कि परिवादी ओम प्रकाश ने एसीबी में शिकायत थी कि उसके पिता ने फसल बीमा योजना में ऋण के लिए आवेदन किया था। इसमें सहकारी समिति के सचिव राहुल सुमन ने 3000 रुपए की रिश्वत की मांग की। एसीबी की टीम ने शिकायत का सत्यापन कर ये कार्रवाई की और सचिव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। अठारह मई को हमारे कार्यालय में परिवादी ओम प्रकाश मेहर निवासी पिपलोत आया था और उसने लिखित में शिकायत पेश करी थी कि जो हमारी जीएसएस है, ग्राम सेवा सहकारी समिति, उसका सेक्रेटरी है राहुल सुमन, वो हमारी लोन की फाइल को स्वीकृत कराने के लिए 3000 रुपये की रिश्वत मांग रहा है। इसका हमने 18 मई को ही गोपनीय सत्यापन कराया। सत्यापन में मामला सही होना पाया गया, जिसके बाद आज हमने ट्रेप कार्रवाई करी। ट्रेप कार्रवाई में जो अटरू में केंद्रीय सहकारी बैंक है उसके परिसर में ही आरोपी ने परिवादी से 3000 रुपये लेकर अपनी जेब में रख दी। हमने मौके से बरामद कर लिए और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से किया है? केंद्रीय सहकारी बैंक अटरू।